guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. This is Samya Sahu. And today in this video, I'm going to paint on this mini keychain. इसमें पता है इसके जो ऊपर के कीरिंग थी ना वो मैंने निकाल लिए एंड ये खाली मेरे पास रैंडमली पड़े हुए थे तो आज हम इन्हीं पे पेंट करेंगे और पेंट हो जाने के बाद हम इसी में ऐड कर देंगे बट अभी तो हमें पेंट करना है ना तो इसलिए मैंने निकाल देख सकते अब ये तीन छोटे छोटे तो आई डोंट नो किस कलर बहुत छोटे हैं एंड छोटे पे कलर करना उतना ही डिफिकल्ट होता है जितना बड़े पे नहीं होता है तो आज हम इन तीनों को करेंगे कलर्स और एक इसका वाइट कलर है एक वाइट और एक तो चलो हम इन पे करते हैं कलिंग स्टार लिया मेरे पास फैब्रिक कलर्स लिए मैंने एक्रिलिक कलर तो चलो अब हम अपने मेरे पास देखो कौन ग्रीन कलर है लाइट ग्रीन देन येलो आई हैव आफ्टर दैट रेड एंड ब्लू पर्पल एंड व्हाइट पर्पल नहीं है ब्लू ही है वो बट डार्क ब्लू यस तो चलो हम इसको कलरिंग करते स्टार्ट So yes, now I'm back once again. अब हम इस पे एक डिजाइन बनाएंगे प्यार कुछ भी लेट मी थिंक व्हाट वी कैन मेक फ्रॉम दिस ओके लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट फर्स्ट आई एम यूजिंग फर्स्टली वाइट कलर बिकॉज फॉर इट्स बेस Let's make it safe by doing white color on that. Let me take it off And I don't know कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी ये वाला क्राफ्ट एंड ये पतला इसलिए मैं आर्म टेकिंग वेरी थिन ब्रश So let me read our face. Khulja Sim Sim. Khulja. Khulja. Mera naam bhi Soumya hai. Khul deti sab. To pehle white color hai to hum white wale ko hi karte hain. और अगर आपको इससे रिलेटेड अनदर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना बिकॉज मेरे पास और मैं खुद लूँगी एंड उनको हम लोग वाटर से करेंगे ठीक है अंदर वाटर और जो भी होगा हम उनसे अच्छे से करेंगे एक का बेस रेडी कर लिया हमने पूरा व्हाइट इसको कलर कर दिया थोड़ा व्हाइट तो यस कलर ऑन एंड अपन इसको एंड अभी हम जो बाकी के डिब्बे थे उनका भी कलर कर लेते हैं एंड अभी जो हमने दो पे उसका बेस रेडी कर लिया देख सकते हैं एंड ये थर्ड वाले पे हमें ड्रॉप्स बनानी है उसकी बिकॉज उस वाले पे हम बेस नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें फिर अच्छा
क्लॉथ्स पहने हैं ताकि ऐसा लगे कि वो एकदम रेन हो रही है, बारिश, ये बारिश का पानी तो बोलो उसमें हमें रेन करनी है अभी बिकॉज रेन का मौसम रेन की ड्रॉप्स मोटी मोटी बन गई है बहुत ज्यादा ही मोटी बन गई बिकॉज ब्रश जो था या इसके ऊपर भी हम वापस से पूरा व्हाइट कलर करके इसको भी अच्छे से रेन का फॉर्म दे देंगे उसमें कलर तो हम इसके लिए व्हाइट कलर कर सकते एंड इस बार मैं बहुत ही ज़्यादा पतली ड्रॉप्स बनाऊंगी तो अंटिल एंड अनलेस ड्राइंग हम इसके ऊपर कलर नहीं करेंगे पूरे अच्छे से सूख जाए फिर उसके बाद हम कलर करेंगे तो देखती हूँ कभी रेडी है मैंने इनके ऊपर तो अब मैं डिज़ाइन सोच रही हूँ तो लेट्स सी कि हम क्या बनाते हैं ऐसे ही रैंडम सीनरी बनाएंगे और हम कुछ तो अभी मैं ये ब्लू कलर से पर्पल है डार्क है कौन सा कलर है ये इट्स डार्क ब्लू कलर तो अब हम इससे अपने ट्री ड्रॉ करेंगे सो चलो करते हैं ज़ूम ज़ूमिंग आउट डन सो Now it's time to draw tree. So I'm going to draw it with the big brush. Need to see them. आसमान को भी हम पर्पल कर देंगे उसका एंड अभी हम लोग ऐसे करते जाएंगे कंटिन्यू जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो शेयर सब्सक्राइब करो देखो मैंने पूरा ऐसा मौसम बना दिया एक ट्री बना दिया आई डोंट नो ट्री कैसी बनी है जैसी भी बनी है बस बना दी हमने इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे लाइक ऊपर से पूरा पर्पल स्काई बना देंगे येलो ऑरेंज करके एंड देन आफ्टर दैट हम करते हैं तो इसमें मतलब थोड़ा सा मैंने पर्पल कलर लिया मतलब स्काई जैसा लगे ब्लू एंड पर्पल के ऊपर ही हम लोग येलो कलर करेंगे बिकॉज उससे थोड़ा स्काई का लुक भी आ जाएगा और सो दैट्स व्हाई अभी मैं येलो कलर कर रही हूँ एंड पर्पल कलर छुप भी रहा है थोड़ा बट यू नो थोड़ा अच्छा लगेगा तो हमने उस पर पर्पल दिया और
और ड्राइंग में बेस तो ज़रूरी होता ही है, इसलिए हमने बेस लिया था। So here I have done with my yellow color, pretty yellow, and yes, my blue color भी तो इतने अच्छे से छोटा बहुत तो नहीं है। तो हम इस येलो के ऊपर पता है क्या करेंगे, वाइट टॉप्स बना देंगे। तो चलो ऊपर, तो जब तक ये दोनों सूख रहे हैं हम थर्ड वाले का आर्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब उसके लिए हम थर्ड वाले में एक हाउस बनाएंगे, सुंदर सा प्यारा सा घर। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ रेड कलर। ये तो नहीं, मैंने खोले ही नहीं था। चलो तो इसमें हमने रेड कलर कर लिया है पिंक। तो अब हम इस पे हाउस का कलर ड्रॉ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बट पहले हम तो जहाँ पे हमने ट्री ड्रॉ करी थी वहाँ पे हम जैसे आपको हमने यहाँ पे ट्री ड्रॉ करी है, तो कोने से हम वाइट ड्रॉप्स बना देते हैं एंड नीचे से तो वाइट है ही आप ब्लू एंड हाफ वाइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पूरा ब्लू कर देते हैं हम इसको एंड देन आफ्टर दैट उस पर हम ड्रॉप्स वाइट ड्रॉप। कैसे लगे ट्रीज हैं बहुत सारी और बारिश हो गई। तो अभी मैं इस पे पूरा ब्लू कलर पेज पूरा कर लिया है। जो हमने पर्पल कलर से भी बनाई थी इसको भी हमने छुपा दिया है क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि वो अच्छी नहीं बनी है। तो अब हमने उस पे पूरे में पर्पल कलर फेर दिया। तो अब येलो कलर करते हैं हम उसमें, क्योंकि येलो से अच्छा येलो करेगा, बट हम ग्रीन करेंगे अभी। एंड ये मतलब कैमरे में आई डोंट नो विजिबल है कि नहीं, बिकॉज ये बहुत छोटा है यहाँ पर दिखाई है। तो मैं आपको एंड में अच्छे से बता दूंगी एक और बार। तो अभी हमारी एक किचन तो रेडी हो गई है। सेकेंड वाली किचन को हम पता है क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था हाउस बनाएंगे। तो चलो एंड इसमें मैंने सारे कलर कर दिए हैं, तो इसे वो अच्छी लग गया। सूखने के बाद अच्छी लगेगी, लाइक अभी तो लग रही है बट स्टिल सूखने के बाद और अच्छी लगेगी। सो यस, और जो हमने हाउस बनाया तो वो भी बना लिया हमने इस पर। एंड इस पर बस थोड़ा सा टचअप करना, चलो टचअप करना। एंड घर बना लिया मैंने और स्माइल जैसे। तो अब हमारा पूरा क्लास रेडी है और मैं ये बिल्कुल लगा लेती बिकॉज सोच टूट जाएंगे। सो एंड मेरा पूरा क्राफ्ट रेडी हो चुका है। अब हम देखते हैं इसको सूखने के बाद कैसा होता है। तो अभी हम इसको रख देंगे एक साइड ताकि अच्छे से सूख जाए। एंड मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या डिज़ाइन करे हैं। एक पे मैंने इमोजी बनाया है, एक पे घर बनाया और एक मल्टी कलर कर दिया मैंने, और मल्टी कलर के साथ यहाँ पे एक रिबन बना लिया, तो जिससे वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो एट द एंड मैं आपको दिखा